जी कैसेट लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने चैप्टर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कंप्लीट कर लिए थे और आपको होम असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के एंड के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज हम उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे और कुछ केस स्टडीज अटेम्प्ट करेंगे। आपकी जो ऑडिट की पहली केस स्टडीज होंगी आज हम उनमें से कुछ कवर करेंगे और फिर केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार के बारे में कुछ थोड़ी सी डिस्कशन होगी आज के लेक्चर में। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कंसेप्ट, कोई एक ऐसा एक लफ्ज़ भी ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आया, पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की बेसिक्स डिवेल्प हो रही हैं तो इसमें एक एक कंसेप्ट, एक एक लफ्ज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जी मेरे भाई, परसुएसिव, हाँ वो वहाँ लिखा हुआ है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है और मोस्ट ऑफ द एविडेंस होता है वो परसुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव। देखिए, कंक्लूसिव का मतलब होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाला, 100% कंफर्मेशन वाला एविडेंस, जबकि परसुएसिव एविडेंस होता है जो रीजनेबल हो। चूंकि हम जो अश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं वो भी रीजनेबल है, तो हमें जो एविडेंस ऑब्टेन करना है वो भी रीजनेबल हद तक, रीजनेबल लेवल तक एविडेंस ऑब्टेन करना है, परफेक्ट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपको डिफरेंस क्लियर करता हूँ। फर्ज कीजिए कि आपने इस बात का एविडेंस ऑब्टेन करना है कि ये भाई पाकिस्तान के सिटीजन हैं कि नहीं, ठीक है। आप क्या करें, एक एक रीजनेबल पर्सन ने अगर ये वेरिफिकेशन करनी है क्या करेगा, वो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, इसका आईडी कार्ड देखेगा, ठीक है। ये है परसुएसिव एविडेंस, यानी आईडी कार्ड देखने से परसुएड हो जाएगा एक रीजनेबल पर्सन, मुतमिन हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के सिटीजन है। लेकिन जरा थोड़ा सा सोचिए, एक्सट्रीम केसेस में, रेयर केसेस में ये भी तो हो सकता है आईडी कार्ड जाली हो। बाज़ुकात ऐसा भी तो होता है, इधर उधर के मुल्क के लोग आ गए और जाली आईडी कार्ड बना लिया, उसमें बाज़ुकात नादरा के जो मुलाजमीन है वो भी मुलविस होते हैं, ठीक है, तो वो जाली भी हो सकता है। तो एक एविडेंस लेने का ये भी तो तरीकाकार है कि नादरा के रिकॉर्ड में जाके, वहां पे जो पूरे मुल्क का रिकॉर्ड है, सोर्स है जो, वहां से जाके वेरिफिकेशन की जाए। अगर वहां से जाके वेरिफिकेशन करते हैं वो एब्सोल्यूट एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस होगा, कंक्लूसिव एविडेंस होगा, ठीक है। याद रखिए, हमारे ऑडिट में परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है, कंक्लूसिव एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया जाता, क्योंकि हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। अच्छा, फिर आगे एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लड़ाइए, कंक्लूसिव एविडेंस फिर कहाँ ऑब्टेन किया जाता है भला? वो कोर्ट केसेस में ऑब्टेन किया जाता, जब कोर्ट फैसला करेगी ना, जब कोई जज फैसला करेगा, अदालत फैसला करती है ना, वो कंक्लूसिव एविडेंस की बेस पर फैसला करती है कि जाओ रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड में देखो वहाँ पे इसकी एंट्री है कि नहीं है, ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑडिट में आप एक हद तक चेकिंग कर सकते हैं, 100% रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए तो हम अपनी रिपोर्ट में भी लिख देते हैं कि ये रीजनेबल एश्योरेंस है, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ के ऊपर हमने रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं, रीजनेबल एविडेंस लिया हुआ है, कंक्लूसिव या एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं लिया हुआ। क्लियर हो गई तसल्ली? जी भाई पूछिए। एक वर्ड अक्सर यूज हुआ है पूरे ऑडिट में, मिस स्टेटमेंट। वो कह रहे सर इस मिस लफ्ज़ मिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है? मिस स्टेटमेंट में याद रखें, मिस स्टेटमेंट में दो तरह की, मिस स्टेटमेंट में गलती, तो दो तरह की गलतियां हैं, एक जो अनजाने में हो जाए और एक जो जानबूझ के की जाए। जो अनजाने में हो जाए एरर और जो जानबूझ के की जाए फ्रॉड, ठीक है फ्रॉड। तो हम जब लफ्ज़ मिस स्टेटमेंट बोलते हैं तो इसमें दोनों तरह की गलतियां कवर हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये जहन में रखिए कि हम ज्यादातर केसेस में एरर्स को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फ्रॉड थोड़ा मुश्किल।
फ्रॉड अगर रीजनेबल तरीकों से आइडेंटिफाई होने वाला हो ना, उसको हम कर लेते हैं, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए से, कोलुजन के जरिए से किया जाए, उसको फिर हम फ्रॉड नहीं। तो क्या अगर हमने ऑडिट कर लिया, रिपोर्ट दे दी और उसके बाद पता चला कि उसमें कोई फ्रॉड है, बड़ा फ्रॉड है, मेजर फ्रॉड है, क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या इसका ये मतलब है हमने काम सही नहीं किया? इसका ये मतलब नहीं है, वो तो हम पहले ही बता चुके होते हैं। नेरे लिमिटेशन है कि फ्रॉड आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर। क्यों? बिकॉज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज की जाती हैं एंड कोलुजन। कोलुजन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? मिलजुल के फ्रॉड। हाँ जी बिल्कुल, इत्तफाक में बरकत नहीं है, वो यूनिटी, यानी ये यहाँ पे वो इत्तफाक में बरकत तो है लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, वो यूनिटी होता है, ये यूनिटी नहीं, ये कोलुजन है। ठीक है, जब अच्छे काम के लिए मिलजुल के काम करें कोई लोग, उसे कहते हैं यूनिटी, जब कोई बुरा काम करने के लिए मिले उसे कहते हैं कोलुजन। जी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है कि सर अगर ऑडिट के दौरान में कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो तो क्या फिर भी मैनेजमेंट को बताया जाएगा या डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा? ये आगे चल के एक फ्रॉड का पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में जो इसके ऊपर डिस्कशन करता है। इसका जवाब ये है, बेसिक आंसर मैं आपको देता हूँ, इसका जवाब यह है कि डिपेंड करता है फ्रॉड किसने किया है। अगर तो फ्रॉड एक्सटर्नल पार्टीज ने किया है, ठीक है, जैसे बाहर का बंदा हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में आया और उसने सामान चोरी कर लिया, तो फिर हम मैनेजमेंट को बताते हैं भाई अपना सिस्टम इम्प्रूव करो। अगर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होंगे, लोअर लेवल के लोग, फिर भी हम हायर लेवल के लोगों यानी मैनेजमेंट को बताएंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो फिर हम एक्सटर्नल पार्टीज को बताएंगे, जाहिर है। जहाँ बिल्कुल, वो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, वो समटाइम कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है, FIA वाले नैबर भी हो सकते हैं कि जी अगर कोई गड़बड़ है तो हमें बताएं, तो उनको भी बता सकते हैं। ठीक जी, वन बाय वन। जी 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 हाँ शाबाश। इन्होंने कहा सर आपने हमें बताया कि कल के रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है तकरीबन 95% एश्योरेंस लेवल ऑब्टेन करना, लिमिटेड का मतलब है 70%। तो आपने तो हमें बताया, बात समझ आ गई, लेकिन जरा बताइए जब हम प्रैक्टिकली जाके काम कर रहे होंगे तो प्रैक्टिकली ऑडिटर्स को कैसे पता चलता है कि इस वक्त एश्योरेंस का लेवल कितना है, 30 है कि 40 है कि 50 है कि 70% हुआ कि नहीं 95%। प्रैक्टिकली तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं ना होता ऑडिटर के पास तो सारा एविडेंस उसमें डाले जाए और वो ऊपर होता जाए, हमें पता चल जाए ये 40 हो गया, 50, 60 हो गया। याद रखे प्रैक्टिकली ऑडिटर की जजमेंट होती है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस कब सफिशियंट अप्रोप्रिएट हुआ, ये क्या है? जजमेंट है, ठीक है। तो ऑडिटर खुद जज करता है कि हाँ जी अब एविडेंस मेरा सफिशियंट अप्रोप्रिएट हो गया है या कि मजीद एविडेंस लेने की जरूरत है। ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ये चीजें आपको सिखाई कि किसी भी एरिया पे एविडेंस ऑब्टेन करना है तो क्या क्या चीजें देखनी है, कब आप इस सिचुएशन नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि एविडेंस सफिशियंट या अप्रोप्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये ऑडिटर की जजमेंट पे अप्लाई। इसका मतलब है हमें एक और कंसेप्ट ये पता चला कि ऑडिट में ऑडिटर कुछ अपनी जजमेंट्स भी अप्लाई करता है, बल्कि कल तो डिस्कस किया था ये लिमिटेशन, हाँ जजमेंट्स विच मे बी फॉल्टी। तो बिल्कुल ऑडिटर अपनी ऑडिट में बहुत से एरियाज में जजमेंट अप्लाई करता है, जिनमें से एक अहम एरिया ये भी है कि एविडेंस कब सफिशियंट अप्रोप्रिएट होगा, ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया जी? और जी जी उन्होंने कहा जी लीगल केस की एक एग्जाम्पल दे दीजिए। आपने कल आखिरी कल क्विज हुआ था जो हमारा उसके एंड पे था, एग्जाम्पल एस्टीमेट्स, शायद ये क्वेश्चन था कि बताइए कौन से एरियाज है जिनमें एस्टीमेट, उसमें लीगल केस था तो इसमें कैसे एस्टीमेट इन्वॉल्व होता है। ये आज के हमारे जो वॉल्यूम वन के क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन है ना, वो इसी के ऊपर बेस कर रहा है। उसकी डिस्कशन के दौरान में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर एक आपने वादा करना है, अगर मेरे से डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं तो फिर जो जो मैं बताऊंगा आपने याद करना है और याद रखना है, पक्की बात है। चलिए मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन जी? नहीं नहीं याद उसी ने नहीं करना, आपने भी याद करना, इतने तो मासूम है, शक्ल तो ऐसे लग मासूम ही रहा है। जी जी सबने याद करना भाई, सबने याद करना। जी जी
अच्छा फॉर द ईयर देन एंडेड लिखा हुआ है और आपके ख्याल में देन का लफ्ज नहीं आना चाहिए, ऐसे कर ले, लेकिन असल में देन एंडेड का लफ्ज आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये अहम लफ्ज नहीं है तो अगर कोई ऐसा वर्ड जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है कंसेप्ट समझने में और अहम नहीं है तो मैं उसको डिलीट करवा दिया करता हूँ, उसको काट दीजिए। वरना असल में होता ये है कि पीछे जब हम बता रहे होते हैं ना कि हमने इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, तो फिर आगे जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं ना तो फिर कहते हैं कि दोबारा नहीं पूरा साल लिखते, हम कहते हैं फॉर द ईयर देन एंडेड, यानी जो पिछले साल बात हो रही थी ऊपर पैराग्राफ में जिसकी बात हुई है। तो देन लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें उड़ा दे, कोई मसला ही नहीं है। और कोई क्वेश्चन? जी, क्लाइंट ने लिमिटेड अश्योरेंस के लिए ऑडिटर को कहा है, लेकिन अश्योरेंस ऑडिटिंग के दौरान ही मतलब उसको क्लाइंट को लगता है कि हमें इसे रीजनेबल पे लेके जाना चाहिए, तो क्या वो ऑडिटर को? शाबाश, एक हमारा चैप्टर है उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। वो कहता है कि okay, सर अगर क्लाइंट ने हमें पहले कहा लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड करो, हमने अपना काम शुरू कर दिया, बाद में दरमियान में उसे ज्यादा होने नहीं रीजनेबल अश्योरेंस ज्यादा बेहतर थी, और हमें कहता है रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करो, तो क्या हम क्लाइंट की ये रिक्वेस्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? स्टैंडर्ड कहता है याद रखिए दुनिया में कोई चीज ऐसी, ऑडिट में कोई चीज ऐसी नहीं है जो चेंज ना हो सके, हर चीज चेंज हो सकती, लेकिन चेंज करने के सर्कमस्टांसेस हैं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो हम क्लाइंट्स की बात आंखें बंद करके नहीं मान लेते, कर सकते हैं लेकिन हमने फौरन क्लाइंट को यस सर नहीं कहना, बल्कि क्लाइंट से रीजनेबल जस्टिफिकेशन पूछनी है कि सर क्यों चेंज करवाना चाह रहे हैं। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो फिर हम चेंज कर लेंगे, वरना नहीं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल उसकी उधर केस स्टडी है, अब मैं केस स्टडी सामने रख के आंसर देता हूं। उसने कहा क्लाइंट ने आपको कहा था रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करो, आपने काम करना शुरू कर दिया, एक फ्रॉड के पहुंचने के करीब थे आप, क्लाइंट को आप कह रहे हैं सर ये ट्रांजैक्शन का हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिए, बताइए ये किसने पेमेंट ऑथोराइज की थी, किस बंदे को दी है, क्लाइंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है, अब आपको पता है कि रीजनेबल अश्योरेंस में ज्यादा काम होता है, लिमिटेड अश्योरेंस में कम। तो क्लाइंट ने बजाय ये कि रीजनेबल अश्योरेंस देने एविडेंस देने के आपको कहा सर इसको लिमिटेड अश्योरेंस कर दे, और चूंकि लिमिटेड अश्योरेंस में काम कम करना होता है, चेकिंग कम कर, तो ये वाउचर भूल जाए। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने में, रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद बताइए अपनी जजमेंट की बेस पे इन हालात में ये रिक्वेस्ट रीजनेबल है कि नहीं है। तो जवाब में क्या लिखेंगे, चेंज कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते एग्जैक्टली। लेकिन फर्ज कीजिए, दूसरी एग्जाम्पल फर्ज कीजिए, क्लाइंट ने यह कहा सर मैंने असल में आपको रीजनेबल अश्योरेंस का कहा था, ऑडिट का कहा था, इसलिए क्योंकि बैंक से लोन लेना था और बैंक ने कहा, तो अब बैंक वालों ने फोन करके कहा कि आप ऑडिट के बजाय अगर रिव्यू करवा के भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देना, हम लोन आपका प्रूफ कर देंगे। तो अगर कम में काम हो रहा है तो फिर ज्यादा करवाने की क्या जरूरत है, आप बराए मेहरबानी ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर दें। अब इसमें देखें, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, आपने उससे रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगी, क्या आप मुतमिन है इस जस्टिफिकेशन से? बिल्कुल। तो इसके आंसर में क्या लिखना है? कर देंगे। फिर अगला सवाल उन्होंने यहां से भी पूछता है कि सर अगर चेंज कर दें तो पुराना काम किया हुआ जो उसे नए में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वही साल वही एंड कर सकते हैं। जो पैसे एक्स्ट्रा, अच्छा अच्छा ऑडिट ना समझते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे सिर्फ एक चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स का, एक चैप्टर, कौन सा? उसमें हम पैसों की बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, इसके अलावा अगली बात नहीं सीख, पूरा कंसेप्ट नहीं सुना, इसके अलावा किसी जगह पे ऑडिट के किसी भी कंसेप्ट में फीस की इन्वॉल्वमेंट, फीस एक रेलिवेंट फैक्टर नहीं है। अगर किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हुए आपके जहन में फीस आ रहा है ना कोड ऑफ एथिक्स के अलावा, कोड ऑफ एथिक्स वाले चैप्टर के अलावा, वो चैप्टर 7 होगा प्रोबेबली हमारा, तो आप गलत साइड पे सोच रहे हैं, आपने नहीं सोचना। ठीक है, तो ये ना सोचे कि अगर रिव्यू से ऑडिट पे चले गए
तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, ऑडिट से रिव्यू पे आ गए तो पैसे कम मिलेंगे। इसलिए मैं तो हमेशा ये देखूंगा, क्लाइंट ने अगर रिव्यू से ऑडिट कहा है ना तो फौरन मान लूंगा, और अगर ऑडिट से रिव्यू कहा है तो कभी नहीं मानूंगा। ऐसे नहीं सोचना। रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी और वो पैसा नहीं है रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ठीक है जी सर, अगर इस तरह चेंज करेंगे रिव्यू से ऑडिट या इस तरह, तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट या एंगेजमेंट लेटर भी चेंज होगा या नया बनेगा? शाबाश। उन्होंने कहा सर अगर इस तरह रिव्यू से ऑडिट या ऑडिट से रिव्यू में चेंज करें तो क्या हमारा एंगेजमेंट लेटर भी चेंज होगा कि वो सेम रहेगा? आपकी जजमेंट क्या, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट क्या कहती है? चेंज हो, एग्जैक्टली चेंज होता है, उसको चेंज करते हैं फिर, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो जाती है। जी सर, बाकी अगर 40% में से कोई मटेरियल मिस्टेक में निकल आती है तो ऑडिटर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा? जी उनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये बताया कल सैम्पलिंग में कि ऑडिटर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया को चेक करेगा, लेकिन हर एरिया के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्ज कीजिए अगर सेल्स के एरिया में 100 ट्रांजैक्शंस थी, उसने उसमें से 60 ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया, चेक किया, और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब उसके बाद रिपोर्ट दे दी अनमोडिफाइड, बाद में जो अदर 40 वाली ट्रांजैक्शन थी ना उनमें पता चला फ्रॉड था। अब ऑडिटर जिम्मेदार है कि नहीं? ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है इस केस में। ऑडिटर अगर जो जिन 60 को चेक किया था उनमें फ्रॉड निकला है ना तो ऑडिटर जिम्मेदार होगा, लेकिन जिसको टेस्ट ही नहीं किया उसका जिम्मेदार नहीं है। क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्या क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स हमें इस चीज की इजाजत देते हैं कि हम सैंपलिंग कर सकते हैं, सैंपल बेस पे काम कर सकते हैं। तो चूंकि जिन स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, जिनके मुताबिक ऑडिट कर रहे हैं, उनमें लिखा हुआ है कि हम सैंपल बेस के मुताबिक ऑडिट कर सकते हैं, तो सैंपलिंग करें, और सैंपलिंग की वजह से अगर हम किसी फ्रॉड को डिटेक्ट ना कर सकें तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर हो गया जी? यही कुछ। हाँ लेकिन आगे देखें हमारे, लेकिन इसका मतलब है सैंपलिंग फिर ऐसी होनी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो, यानी सैंपलिंग अन्यवानी हो जानी चाहिए। सैंपलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि इतने हम माइंड लगा के, साइंस लगा के सैंपलिंग करें कि अगर कोई इसमें फ्रॉड है भी ना तो वो मैक्सिमम चांस हो कि वो सामने आ जाए। इसीलिए स्टैंडर्ड हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने सैंपलिंग करनी है, बल्कि ये भी बताता है कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताता है सैंपल कौन सा उठाना है, किस उसकी क्लासेस बनती हैं पहले, फिर अप्रोच कौन सी होगी, कहाँ पे हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको प्रोजेक्शन कैसे करने, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करने, सारी डिस्कशन स्टैंडर्ड हमें बताता है। और आगे चल के एक चैप्टर है पूरा हमारा जिसमें हम सैम्पलिंग सीखेंगे। ठीक है, वो शायद चैप्टर 17 है मेरा ख्याल। और कोई क्वेश्चन? जी सॉरी, दोबारा पूछिए। ऑर्डर जी जी हाँ, लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये भी, चले सैम्पलिंग की तो आपको समझ आ गई ना, वो कह रहे हैं सर लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये भी, ऑडिटर की जजमेंट फॉल्टी हो सकती है, ऑडिटर की जजमेंट फॉल्टी हो सकती है। तो अगर जजमेंट फॉल्टी होने की वजह से हम कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके तो क्या होगा? अब याद रखे जिस तरह सैंपलिंग करना सिखाया जाता है ना हमें, जजमेंट अप्लाई करना भी सिखाया जाता है कि जजमेंट हमने किस तरीके से अप्लाई कर। अब देखें आपने तैयारी, ये आपने एक जजमेंट अप्लाई की, ये सब्जेक्ट पढ़ना है ना, किस टीचर से पढ़ना? बहुत से टीचर्स हैं, बहुत और अच्छा पढ़ा रहे हैं सारे। ठीक है, लेकिन आपने उनमें से एक सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने का एक तरीका है, मैंने हर टीचर का नाम लिख के पर्चियाँ डाल दी और पर्ची उठाई, टीचर का नाम आया, उधर जाके एडमिशन ले लिया। एक जजमेंट ये है, एक जजमेंट ये है आपने कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लिया, इसे स्टूडेंट से, ठीक है, और टीचर की मार्केट में रेपुटेशन के बारे में, टाइम पे सिलेबस कवर करवाते हैं कि नहीं, टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है कि नहीं, चेक होके वापस मिलता है कि नहीं, सवाल के जवाब दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते, केस स्टडी की सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाई जाती है, इस तरह के बहुत सी आपने हर टीचर के बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जिस उसकी बेस पे
जिसके टीचर के बारे में आपको लगा कि ये बेहतर है, आपने उसको सेलेक्ट किया, दोनों जजमेंट बताइए कौन सी प्रोफेशनल जजमेंट है? सेकेंड वाले। अगर पहली वाली को आपने कहा ना ये मेरी जजमेंट है और मैंने आंखें बंद करके सारी ट्रांजैक्शन थी और पर्ची उठा ली और जो आया उसको बस उसी को चेक किया है, तो स्टैंडर्ड आपको पकड़ के मारेगा। वो कहेगा जजमेंट अप्लाई करनी है, उसका भी तरीका है, उसका भी तरीका है, ठीक है। अगर आप उन तरीकों को फॉलो नहीं करते, जैसे वो कहता है जजमेंट अप्लाई करने में आपने अपना एक्सपीरियंस यूज करना है, आपको ट्रेनिंग, आपकी ये 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सबसे अहम चीज़ है जजमेंट ही अप्लाई किया जाता है, सिखाया जाता है आपको, वो जजमेंट अप्लाई करते हैं। इन चीज़ों को सामने रख के फिर जो आप डिसीजन करेंगे ना, वो है प्रोफेशनल जजमेंट। फिर उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है, वो फिर आपका कसूर नहीं है, वो फिर आपका कसूर नहीं है। अब देखिए क्रिकेट मैच है, उसमें भी टॉस जीता, जजमेंट होती है ना, जजमेंट किस बेस पे, पिच कैसी है, ठीक है, हवा की रफ्तार, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, फिजा में नमी कितनी है, इन फैक्टर्स को सामने रख के डिसीजन किया जाए, प्रोफेशनल जजमेंट है। लेकिन अगर वो कहे नहीं मैं पहली बारी लेके मैं चाय पीने जाना है, मुझे काम है जल्दी, ठीक है, हाँ जी, तो ये जजमेंट, क्या ये जजमेंट वैलिड है? नहीं, ठीक है जी। और प्रैक्टिकली आपको बताऊं, आप इस काबिल होंगे जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद के, और हमारे पार्टनर होते थे ना, ऑडिट शुरू होता था, सबसे पहले हमारे सामने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती थी, हमारे पार्टनर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते थे, क्लाइंट से 2 या 3 सवाल पूछते थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2-3 एरियाज को सर्कल कर देते थे, कहते थे इनमें गड़बड़ होगी। और जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता था ना, तो तकरीबन एक आधा ऊपर नीचे हो जाता था, तकरीबन उन्हीं एरिया में गड़बड़ निकलती थी, तो हम बड़ा हैरान होते थे ये क्या जल नहीं। लेकिन ये याद रखें, ये स्किल्स होती हैं, ये कोई जादू नहीं, ये स्किल है जो आप इस प्रोफेशन में सीखते हैं, जो आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, जो आप क्लास में सीखेंगे। इवन आई कैप आपसे ये एक क्वेश्चन है हमारा, जो तकरीबन हर टर्न में आता है, वो इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कुछ 2-3 सवालों के जवाब है, बताओ कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, और आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसी का नाम प्रोफेशनल जजमेंट है। अगर आपने इस प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करते हुए ऑडिट किया है, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए उसकी माफी है। लेकिन अगर आपने इस जजमेंट को अप्लाई नहीं किया, तो फिर वो स्टैंड कहता है नहीं भाई, ये वो फिर इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं होगी, फिर वहाँ फिर वो सजा देगा। क्लियर हो गया जी? जी वैसे आपके क्वेश्चन सुन के ना तो मुझे खुशी भी हो रही है और टेंशन भी हो रही है। खुशी इस बात की है कि आपके क्वेश्चन बेसिक नहीं है, थोड़े एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। और टेंशन इस बात की है, अगर एडवांस लेवल आप इधर ही पूछते रहे तो आगे चल के मैं क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल बता दे, लेकिन असल में देखिए पढ़ाना तो है ही, तो कोई बात नहीं, बजाय ये कि मैं अपने माइंड के मुताबिक आपको चीज़ें समझाऊं, आप अपने माइंड के मुताबिक क्वेश्चन पूछें और मैं उनको बताता जाऊँ, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा सैम्पलिंग करनी है, ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट हमारा बड़ा शातिर है, उसने थोड़ा तरीकाकार ऑब्जर्व किया, अब ऐसा तो नहीं होता कि एक साल हमने अगर ऑडिट, तो अगले साल कोई और ऑडिटर आएगा, नॉर्मली एक ऑडिटर कई साल तक, 4-5 साल तक नॉर्मली वही रहता है, तो क्लाइंट ऑब्जर्व करा, अच्छा ये किस तरह की ट्रांजैक्शन मंगवाता है, ये किस तरह की सिलेक्शन करते हैं। अगर वो हमारे ऑब्जर्वेशन के जरिए से अपने जज कर ले कि हमारे सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम किन किन चीज़ों को चेक करते हैं, तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को सारा सीधा पता कर देगा जिनको हमने चेक करना होगा, और बाकी तबाही फेर देगा। तो हम कैसे पकड़ेंगे इसको? तो याद रखिए, इसका जवाब भी हमारी किताबों में मौजूद है। वो कहता है नहीं, वो कहता है आपने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है ना, उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए? अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई प्रेडिक्ट ना कर सके। आसान अल्फाज में हमने अपनी सैंपल सिलेक्शन ऐसे करनी है जैसे आई कैप करता है। कैसे करता है? सिलेबस तो वही है, टॉपिक्स भी वही है, ठीक है, टॉपिक्स भी वही, लेकिन क्या आप कभी प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इस दफा कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? नहीं कर भी पाए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 टॉपिक्स में होता है, बाकी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो आते नहीं। उसी ये है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। उसी तरीके से हम भी जब सिलेक्शन, हम अपने मेथड चेंज करते हैं,
एक साल में किसी और तरीके से, अगले साल में सिलेक्शन किसी और तरीके से करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपके जहन में आ रही है ना, प्रैक्टिकली मैनेजमेंट के जहन में भी आई हैं, वो कोशिश भी कर चुके हैं। और बाज़ का शुरू शुरू में जब ऑडिट प्रोफेशन स्टार्टिंग फेज में था, उस वक्त इस तरह के हाथ ऑडिटर के साथ हो भी जाते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोगों ने रिसर्च की, बताया, एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर किया, तो फिर इसका इलाज भी ढूंढ लिया, ठीक है। अब हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इतनी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि नॉर्मल मैनेजमेंट जो होगी ना, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, वो हमारे साथ दो नंबरी नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर्मल मैनेजमेंट। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स या जो बड़ी हाईटेक किस्म के होंगे, उनमें फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है जी। और क्लियर हो गया क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की एग्जांपल दे दे। मैंने आपको कल एग्जांपल बताई थी, जैसे वो 1,00,000 का एक ही फ्रॉड नहीं करेंगे, बल्कि 999 के वो 100 ट्रांजैक्शन जो हैं वो फेक रिकॉर्ड कर लेंगे, ये कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, ठीक है। या वो रिपेयर एक्सपेंस की अमाउंट को ऊंच नीच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है साथ ही वाउचर है, अगर हम 1,000 एक्सपेंस की है 100 रिकॉर्ड करेंगे, तो जब ऑडिटर आके वाउचर देखेगा उसे पता चल जाएगा। वो एस्टीमेट्स में फ्रॉड करेंगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कम कर देंगे। हम उनसे पूछेंगे नहीं ये तो ज़्यादा होना चाहिए, वो कहेगा आपको कैसे पता, ये तो कंफर्म अगले साल होगा जब एक्चुअली बैड डेट होंगे, ठीक है। तो वो इस तरह के एरियाज में फिर फ्रॉड करने की कोशिश करता है। ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिल भी सकता है, समटाइम ऐसा होता भी है, लेकिन इसीलिए ऑडिटर के लिए जरूरी होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, इंडिपेंडेंट हो। आपको पता है जो काम हम करते हैं, एक होता है हम ऑडिटर है ना, जो काम हमने करना है वो कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय होता है वो भी कर रहा होता है, उसे इंटरनल ऑडिटर कहते हैं, समटाइम वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। हर वो काम जो हमने करना होता है ना वो भी करता है, फर्क ये होता है कि उसका नॉलेज हमसे ज्यादा होता है कंपनी के बारे में। कैसे ज्यादा होता है भला? हाँ, हमने साल बाद 4 महीने के लिए आना है, वो 12 महीने उधर ही बैठा होता है, लेकिन वो रिपोर्ट जो इशू करता है वो भी रिपोर्ट देता है, उसे इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट कहते हैं। वो जो रिपोर्ट इशू करता है ना, उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मानता, कोई इन्वेस्टर नहीं मानता। डायरेक्टर शायद उससे अपना काम करवाए और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करे, शेयर होल्डर्स या एक्सटर्नल बैंक्स वगैरह कुछ उसकी बात को सिर्फ एक, हालांकि देखें वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, सम टाइम हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट भी होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी है जो हम में है और उसमें नहीं है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से हमारी रिपोर्ट्स पर रिलाई किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिल भी तो सकता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने रिक्वायरमेंट अप्लाई की हुई है कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, मैनेजमेंट से भी, शेयर होल्डर से भी, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है वो ऑडिट कर ही नहीं सकता, वो दूसरी बात ही नहीं करते। कहते हैं अगर ऑडिटर मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है या शेयर होल्डर से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो ऑडिट स्टार्ट भी देखेगा जब अपॉइंटमेंट हो रही है, और इवन अगर ड्यूरिंग ऑडिट भी कोई इस तरह का इशू अराइज हुआ तो भी वो ऑडिट नहीं कर सकता। आपने अगर लॉ पढ़ा ना, तो लॉ में एक केस स्टडी हुआ करती थी पुराने सिलेबस के मुताबिक, जिसमें ऑडिटर ऑडिटर पॉइंट हुआ इंडिपेंडेंट था, ड्यूरिंग ऑडिट क्लाइंट का चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ उसकी शादी हो गई, उसने कहा बताइए अब क्या इंपैक्ट होगा, तो हमने बैठ गया खत्म, अब ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट नहीं हो सकता जी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह इंडिपेंडेंट नहीं रहा। शाबाश शाबाश, तो क्लियर हो गया जी जी। बंद भाई, नेक्स्ट नहीं, टाइम कम है, टाइम कम है, अगला क्वेश्चन। इंटरनल ऑडिटर की बात कोई नहीं है तो करवाया क्यों? अच्छा देखे, बात कौन नहीं मारा मान रहा इंटरनल ऑडिटर की, एक्सटर्नल पार्टी। अगर डायरेक्टर से पूछे ना, डायरेक्टर से, वो कहेंगे सर बड़ा काम करता है ये, हम इसको जो रिपोर्ट कहते हैं बना के दे, बना के देता है। हम उन्हें कहे कि जी फर्ज कीजिए उन्हें एक एम्प्लॉय के बारे में गड़बड़ इंफॉर्मेशन मिली डायरेक्टर को कि ये परचेज ऑफिसर है, ये सप्लायर के साथ मिल गया है, और वही चीज़ जो बाजार में सस्ती मिलती है सप्लायर से महंगी खरीदता है, और जितना प्राइस का फर्क होता है आधो आध कर लेता है। ये अगर इंफॉर्मेशन मिले, अब डायरेक्टर चाहेंगे ना इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो,
तो वो किसको कहेंगे इन्वेस्टिगेशन कर? धंधनाट वाले। वो उधर से चीजें देखेगा, बाजार जाएगा, रेट लेगा, कंपेयर करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, डायरेक्टर के सामने रखेगा, डायरेक्टर उसकी बेस पर डिसीजन कर लेंगे। तो ये बात नहीं इंटरनल ऑडिटर बिल्कुल ही फारिग होता है, नहीं, बाहर के लोगों के लिए फारिग है वो, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए वो अच्छा है। अच्छा बताइए, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंटरनल ऑडिटर अच्छा है कि नहीं? जजमेंटल क्वेश्चन आपसे, कितने स्टूडेंट का ख्याल है अच्छा है, कितनों का ख्याल है अच्छा नहीं है? अच्छा क्यों अच्छा है? काम करने में मदद हो जाएगी। वो हमारा पेटी भाई है, पेटी भाई है, बाज़ औक़ात हम उससे काम, अच्छा कैसे है? लेकिन कैसे हेल्प लेनी, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा, ये भी तो हो सकता है हम उसे हेल्प लें और वो हमें धोखा दे और मैनेजमेंट की बात कर ले, बिल्कुल सही है और ऐसे होता भी है, लेकिन हम भी आपको पता है अंधा एतमाद तो नहीं करते, हम पहले कुछ ना कुछ टेस्ट, पहले टेस्टिंग करेंगे काम देने से पहले, ये बंदा इस काबिल है कि नहीं इसको काम दिया जाए, और फिर उसका काम जब वो करके हमें लाएगा उस काम को भी चेक करेंगे कहीं इसमें भी उसने डंडी तो नहीं मार ली। तो बड़े तरीके सलीके से हमने उससे काम करवाना है, और कैसे करवाना है हमारे सिलेबस में पूरा चैप्टर है एक, ठीक है, जो हमें बताता है, और उसके नाम में यही है कि इंटरनल ऑडिटर से अगर आपने काम करवाना है तो कैसे करवाना है, काम करवाने के तरीके जी। और कोई क्वेश्चन भाई? बस कर दे, बस कर दे, और क्वेश्चन? अच्छा इंडिपेंडेंस होने में क्या क्या देखा जाएगा, इसके ऊपर दो चैप्टर्स हैं पूरे, चैप्टर 6-7 ये उनके लिए छोड़ दें, मुझे लग रहा है आज सारा ऑडिट आप पढ़ के मेरे से ना फिर कर जाएंगे वहाँ। टोटल चैप्टर है 20-21 के करीब चैप्टर होंगे, राइज बुक के हवाले, राइज बुक के मुताबिक, आई कैप के मुताबिक मेरा ख्याल है कोई 14-15 के करीब चैप्टर होंगे। और की क्वेश्चन जी भाई? बस जी, अगर आइडर चेंज होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? अच्छा आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना है सारे रेलिवेंट, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो इररेलिवेंट हो, लेकिन सारे चूंकि एडवांस वाले हैं तो इससे मुझे तसल्ली हो गई कि कम से कम इस चैप्टर के कंसेप्ट आप समझ गए हैं। लिमिटेशन में कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो? चलिए फिर अब आते हैं हम आज के लेक्चर के क्वेश्चन की तरफ। अब हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ये आपके लास्ट क्वेश्चन, उसका भी लास्ट क्वेश्चन, आपका भी लास्ट क्वेश्चन है, इधर से भी लास्ट क्वेश्चन है, चले मुश्तर का लास्ट क्वेश्चन जी पूछिए जी। बिल्कुल सोल प्रोपराइटरशिप, नहीं नहीं एक मिनट है, क्वेश्चन दोबारा पूछ, थ्री पार्टी रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, क्लाइंट कह रहे हैं कि ऑडिटर के लिए कह रहे हैं? अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, इनका क्वेश्चन ये है सर, आपने कहा थ्री पार्टी रिलेशनशिप होगा, और थ्री पार्टी रिलेशनशिप में आपने कहा कि एक ऑडिटर है, एक शेयर होल्डर्स है, और एक मैनेजमेंट है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर करने हैं। तो क्वेश्चन इनका यह है कि सर अगर कंपनी हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो हमारा क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उसमें तो नॉर्मली ओनर भी वही है और मैनेजर भी वही है, ठीक है, तो उस सूरत में तो थ्री पार्टी नहीं होगा। मैं इससे भी आगे लिए बात कर रहा हूं, उस सूरत में ऑडिट की भी जरूरत नहीं होगी, उस सूरत में तो ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप अपने साथ थोड़ी फ्रॉड करेगा, अपने साथ थोड़ी फ्रॉड करेगा, ठीक है, लेकिन लेकिन सम टाइम बाज़ुकात बैंक से लोन लेना हो ना तो उस सूरत में करवाया जाता है, उस सूरत में फिर हमारा जो यूजर है वो ओनर नहीं होगा, वो बैंक होगा, तो थ्री पार्टी उधर पूरी हो गई फिर, ठीक है जी। नहीं नहीं मैंने नहीं रास्ते निकाले हुए, ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, जो सवाल आपके जहन में आ रहा है वो जाहिर है पिछले स्टूडेंट्स सेशन के स्टूडेंट के जहन में भी आया होगा, या वो जब हमारा ओरिजिनेट हो रहा था प्रोफेशन उस वक्त भी आया होगा, ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो पहली दफ़ा हमारे जहन में आ रही हो, वो ऑलरेडी लोगों के जहन में आ चुकी होती है,
चलिए बहरहाल शाबाश, आज क्वेश्चन अच्छे थे आपके। चलिए अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के 500 रुपए के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, जो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब उसका ऑडिट कराया जाता है। शाबाश। आगे कह रहा है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ अश्योरेंस व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड। लिमिटेड अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस। हाँ जी, एग्जांपल थे। हाँ तो ठीक है, लिमिटेड अश्योरेंस लिख लें। लिमिटेड अश्योरेंस की एग्जांपल क्या होगी? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीजनेबल अश्योरेंस की एग्जांपल ऑडिट ऑफ। शाबाश। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑफर्ड बाय ईच ऑफ देम। अच्छा, एग्जाम में अगर आप ये लिखेंगे ना मॉडरेट एंड रीजनेबल, तो गलत है। आपको बताना पड़ेगा किसमें मॉडरेट किसमें हाई है। मॉडरेट और हाई नहीं लिखना, बल्कि लिखना है कि इन लिमिटेड अश्योरेंस। हाँ जी, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। और इन ऑडिट एंगेजमेंट या इन रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइडेड। समझ रहे हैं ना? उससे पता चले कि कौन सी वाली एंगेजमेंट के लिए कौन सा लेवल ऑफ अश्योरेंस है। ठीक जी, इसके बाद चले, ये क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। 6, व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस को डिफाइन कर। करे 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 भाई, उल्टे सीधे सवाल। अच्छा, सीधा सवाल आता हो ना, जिसको सीधा कंसेप्ट, वो उल्टे सीधे सवाल पूछता अच्छा लगता है। जिसको बेसिक ही ना आती हो। नहीं नहीं, आपको आती होगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है आपके, बताइए। लेकिन आपको पता है मैं एविडेंस के बगैर तबार तो नहीं करूंगा। रीजनेबल सर, दैट इज हर जाए भी आगे दैट इज इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क IFRS। ये नहीं बताना, एग्जांपल भी तो बतानी थी। हालांकि देखें, उसने पूछा है रीजनेबल अश्योरेंस, भाई को एग्जांपल आती थी लेकिन नहीं लिखी आया एग्जाम में, टाइम बचा। ठीक है, तो कंसेप्ट कोई भी हो ना, उसे पूरा लिखा करें। आगे चले। हाँ जी, व्हाई एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट। अच्छा, आगे मार्क्स हैं 3, तो मुझे बताइए कितने लिमिटेशन लिख देने। अच्छा, आप देखें, आप जजमेंट कर रहे हैं कि एक लाइन का एक नंबर होगा शायद, उस लिहाज से आपने फिर भी अचानक एक दो पॉइंट ज्यादा बता दिए। लेकिन समटाइम ऐसे होता है, समटाइम एक नंबर होता है, एक लिमिटेशन का एक नंबर मार्किंग सीम। अगर आप देखें, समटाइम 0.75 भी हो सकता है, समटाइम इवन 0.5 भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, टू बी ऑन सेफ साइड, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया करें। और जब मार्किंग स्कीम कर रहे हो ना, आपने अक्सर देखा होगा, मैंने मार्किंग लगाई है, पेपर करके आया हूं, मैं बड़ा खींच खींच के नंबर दिए अपने आप को, फिर भी मेरे 65 मार्क्स बन रहे हैं, और बाद में 35 आते हैं। वो होता क्या है, वो जिस पॉइंट मार्किंग स्कीम करते हुए एक लाइन का अपने आपको एक एक नंबर दिया होता है, जब मार्किंग प्लान आता है पता चलता है आधा नंबर था। ठीक है, तो मार्किंग प्लान करते हुए आप सिर्फ हर क्वेश्चन में अपने आप को ना खींचे, सिर्फ मार्क्स एलोकेट करते हुए एक दफा ये डिसीजन कर लें कि एक लाइन का आधा नंबर होगा बस। बहरहाल चले, BA MBBS का नहीं पता मुझे भाई, वैसे नॉर्मली इसी तरह होता है मार्किंग स्कीम करते हुए। जो आपके एग्जाम में जो सबसे बड़ी जजमेंट आपने अप्लाई करनी होगी ना, वो मार्किंग की है। आगे चलते हैं। 7, अच्छा 6 में कोई इश्यू तो नहीं, क्लियर। 7, इन रिस्पांस टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंट टू रूफ लिमिटेड मिस्टर असम चीफ। अच्छा, ये कल कर लिया था। ओके, आगे करें। 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अच्छा, ये डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस जो है ना, जब हम मैट्रिक में होते थे, इंटर में होते थे, तो हमारे टीचर कहते थे डिफरेंस आपने जब सिखा तो ऐसे, किस किस में डिफरेंस है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस इधर आएगा, रीजनेबल इधर आएगा, और आपने एक दो तीन ऐसे पॉइंट करना। याद रखे, डिफरेंस या कंपैरिजन बताना हो, डिफरेंशिएट करना हो, इस तरीके से भी फॉलो किया जा सकता है,
लेकिन याद रखिए टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना लाजमी नहीं है। किसी भी चीज के डिफरेंस को, दो चीजों में आपने फर्क बताना हो, टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना लाजमी नहीं है, आप पैराग्राफ फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस लिखता हूं हेडिंग, जल्दी जल्दी कर रहा हूं आप समझ जाइएगा, और फिर नीचे एब्सोल्यूट अश्योरेंस की डेफिनेशन लिख दी, फिर रीजनेबल अश्योरेंस की हेडिंग दी, नीचे इसकी डेफिनेशन लिख दी, क्या ये डिफरेंस है कि नहीं है? ये भी डिफरेंस है। तो याद रखिए डिफरेंस प्रेजेंट करने के लिए लाजमी नहीं है कि टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं प्रेजेंट इसको, ठीक है। लेकिन ज़हन में रखिए एग्जाम में जो डिफरेंस आपको, आपको जो डिफरेंस क्लास में टेबल फॉर्म में करवाया जाए वो आपने टेबल फॉर्म में करना है, और जो टेबल फॉर्म में नहीं करवाया गया वो फिर आपने इसी तरह करना है। अब मैंने आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस रीजनेबल अश्योरेंस में डिफरेंस टेबल फॉर्म में नहीं करवाया, उसने पूछ लिया तो क्या करना है? पैराग्राफ फॉर्म में और डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन डिफरेंस ही होता है, डेफिनेशन डिफरेंस। आगे चल के भी उसने पांच छह क्वेश्चन ऐसे आएंगे, दो टर्म्स हैं उनके बारे में डिफरेंस पूछा, दोनों की डेफिनेशन लिखनी थी बस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या है, किधर गया ये? परफेक्ट लेवल गारंटी 100% अश्योरेंस के फाइनेंशियल मैं फ्री फ्रॉम ऑल लिस्टेड, बिल्कुल। रीजनेबल अश्योरेंस की डेफिनेशन, आठ नंबर आगे चल रहा है ना मेरे भाई सवाल। रीजनेबल अश्योरेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अश्योरेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रीजनेबल के एब्सोल्यूट रीजनेबल, क्लियरली आउटलाइनिंग रीजंस टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा इसका मतलब क्या है, रीजंस टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ, यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं देता रीजनेबल देता है, ठीक है। तो जस्टिफाई करवाए इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से। हाँ जी, इसमें नहीं, इसमें उसने एब्सोल्यूट और रीजनेबल अश्योरेंस दो से क्वेश्चन स्टार्ट करवाया ना, और हमने रीजनेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसका मतलब है अपने डिसीजन को जब हमने जस्टिफाई करवाना है तो ये जस्टिफिकेशन करवानी है कि रीजनेबल क्यों सेलेक्ट किया है, एब्सोल्यूट क्यों नहीं सेलेक्ट किया। एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसमें जो क्लियरली रीजन की बात पूछ रहा है, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं, बताओ रीजनेबल क्यों, लिमिटेड क्यों नहीं, ठीक है। एक 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 ये भी तो जहन में आ सकता है, लेकिन चूंकि कंटेक्स्ट देखे, कंटेक्स्ट में उसने एब्सोल्यूट और रीजनेबल अश्योरेंस दो के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब जब हमने डिसीजन बताना है कि नहीं इसको नहीं इसको सिलेक्ट किया है, तो रीजन में ये बताना है कि इसको क्यों सिलेक्ट किया, इस वाले को क्यों नहीं किया, तो उसकी क्या रीजन है? इनहेरेंट लिमिटेशन। और ये भाई मुझे बताएंगे इनहेरेंट लिमिटेशन, याद करके आए ना, आपके पीछे वाले याद करके आए ना, हाँ मेरा भाई दो सुना दे सिर्फ दो, इनहेरेंट लिमिटेशन जी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शाबाश, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है जिसकी वजह से वेरिफिकेशन, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब 3 लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स। एक्सटर्नल ऑडिट्स कौन से होते हैं? जो हम करते हैं, हम करते हैं, हम एक्सटर्नल ऑडिटर है, तो इसका अपोजिट क्या होता है? 3 लिमिटेशंस कहा है, नहीं लिमिटेशन इनहेरेंट लिमिटेशन में फर्क नहीं है कोई नहीं, एक ही बात है, कभी इनहेरेंट लिमिटेशन कह देगा कभी लिमिटेशन कह देगा। 3 का है तो कितनी लिखूं, नंबर भी 3 है, बट ठीक है 4 लिख दे काफी है, 4 नहीं। अच्छा अब यहाँ पे चूंकि उसने लिख दिया 3 और मार्क्स भी 3 दिए हैं, तो कन्फर्म हो गया एक का एक नंबर होगा, कन्फर्म हो गया एक एक। 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑडिट। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि एंड वाले भाई हमारे देख लें इसको, हो नहीं रहा, हाँ हो गया हो गया। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑडिट एंगेजमेंट, ये तो हमने पढ़ा। ऑडिट एंगेजमेंट इज ए टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच रीजनेबल अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, वो उसकी टाइप। अश्योरेंस तो ऑडिट की टाइप नहीं है, ऑडिट अश्योरेंस की टाइप है, करेक्ट।
11 briefly explain with examples the different level of assurance that can be provided to assurance client. ये भी हो गया ना, हाँ ठीक है चलिए. 12 AG company approach the mini finance bank to extend their overdraft limit in order to finance a new project. उन्होंने कहा नया प्रोजेक्ट लाना है मेरे, आप लोन की फैसिलिटी जो है बढ़ा दें, पहले 100 मिलियन का लोन है आप 200 मिलियन कर दें. द बैंक आस्क्ड द कंपनी टू प्रोवाइड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस. उन्होंने कहा कैश फ्लो प्रोजेक्शन दो मुझे एंड अश्योरेंस ओवर दिस प्रोजेक्शन, और इन प्रोजेक्शन के ऊपर अश्योरेंस का ये रीजन है, ये केस ठीक है. Require explain the type of assurance engagement that will be undertaken by Airtel in above situation. Limited assurance. Form of such assurance. Negative. Shabat. Also explain why such type of assurance is appropriate for cash flow projection. ऐसे रिलेट करते हैं जिनको accurately verify नहीं किया जा सकता. Correct. 13 Give any two examples about the uncertainty relating to financial statements being audited by you. कह रहे हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, दो एग्जांपल दे दीजिए ऐसे एरियाज की जिनमें अनसर्टेनिटी होती है. अनसर्टेनिटी होती है प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, और आई कैप की फेवरेट लीगल केस जो भाई ने पूछा था. लीगल केस में क्या अनसर्टेनिटी होती है भाई, अगर लीगल केस ईयर एंड पे पेंडिंग है, चल रहा है, तो हमने क्या करना होता है, उसको प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है या उसको डिस्क्लोज करना है. ठीक है, आपने अकाउंटिंग में ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है. हमने अंदाजा लगाना होता है कि कंपनी केस जीतेगी कि हारेगी, क्योंकि अगर कंपनी केस जीत रही हो, याद रखें ये कंपनी के खिलाफ केस है, कंपनी ने नहीं दूसरों के खिलाफ किया, कंपनी के खिलाफ दूसरे लोगों ने किया, तो हमने एज ऑडिटर क्या देखना होता है, कंपनी केस जीतेगी कि हारेगी. अगर चांसेस हैं कंपनी केस हारेगी तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है, और अगर चांस हो के कंपनी केस जीतेगी तो उसको डिस्क्लोज करना होता है. ये काउंटिंग में लिखा हुआ है. अब मुझे बताइए प्रोविजन आएगी कि डिस्क्लोजर, ये किस पे डिपेंड करता है कि कंपनी जीतेगी कि हारेगी. तो ये कंपनी जीतेगी कि हारेगी कैसे पता चलेगा, केस तो अभी चल रहा है, जजमेंट अप्लाई करनी है. ये सबसे बड़ा एरिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हम जजमेंट अप्लाई करते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं. ठीक है, जजमेंट ही है ना हमारी, अंदाजा ही है. और बाद में हमने अंदाजा लगाया कंपनी जीतेगी, बाद में कंपनी केस हार गई, तो क्या इसका मतलब हमने ऑडिट गलत किया? नहीं, जजमेंट में भी फॉल्ट, हम उस दिन के हालात के मुताबिक फैसला यही बनता था जो हमने रिपोर्ट में दिया. हाँ, आर टू में जब ये लीगल केस आता था, भाई ने आर टू पढ़ा हुआ, उन्होंने कहा लीगल कहता था, तो उसमें हम कंपनी के लॉयर से पूछते थे और लॉयर हमें बताता था आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है कि नहीं. बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए अब लाइन लिख ले, लीगल केस की हेडिंग दे और नीचे लिखे इफ आउटकम इज प्रोबेबल एंड मेजरेबल तो प्रोविजन, एरो बना के लिख दें आगे प्रोविजन. इफ आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड मेजरेबल, आउटफ्लो का आउटकम कह ले, कोई इतना ऑडिट में नहीं प्रॉब्लम, कोई काउंटिंग में आउटफ्लो का वर्ड यूज होता है. इफ आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड मेजरेबल देन प्रोविजन. आगे अच्छा एंड लिखा हुआ दरमियान में, दोनों होने चाहिए. और आगे इफ नॉट देन डिस्क्लोज. तो प्रोबेबल एंड मेजरेबल, प्रोबेबल एंड मेजरेबल, प्रोबेबल एंड मेजरेबल, ये आपने याद रखना है. लीगल केस जब भी आए, पहले आपके जहन में आ जाए वकील, फिर दूसरे जहन में आ जाए प्रोबेबल एंड मेजरेबल. ये दो अल्फाज अगर आपके जहन में आ गए ना, दो चीजें लीगल केस में, तो आपके केस स्टडी ओके है. एग्जैक्टली, ऑडिट में भी हमेशा वकील से पूछते हैं, वकील ही बताता है, और ऑडिट में भी यही देखते हैं प्रोबेबल एंड मेजरेबल है कि नहीं. क्लियर हो गया जी? इसके अलावा और भी एक गुडविल भी होती है, उसमें भी जजमेंट अप्लाई, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में जजमेंट होती है, गोइंग कंसर्न वाला इशू आ जाए. गोइंग कंसर्न अकाउंट में बड़ा हुआ है, बहुत से एरियाज है, कोई से दो एरिया लिख दे जिनमें एस्टिमेट होता है.
क्लियर हो गए। चलिए अब हम वॉल्यूम टू के कुछ केस स्टडीज कर लेते हैं। अच्छा जो स्टूडेंट जिनको नजर आ रहा है वो देख लें, जिनको नजर नहीं आ रहा वहां वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एंड वाले भाई मुझे बताइए नजर आ रहा है, यहां से नजर आ रहा है देख के, क्योंकि ये फॉन्ट साइज ना छोटा है तो मैं चेक करना चाह रहा था कि इस फॉन्ट साइज पे स्टूडेंट को नजर आ रहा है कि नहीं, प्लस रिकॉर्डिंग भी जब होगी उसके बाद देख लेंगे। अगर आपको फर्स्ट कीजिए नजर नहीं आ रहा तो आपके साथ नोट्स हैं आपके सामने, आप उसमें से देख लें, डिस्कशन सुनते जाए उसमें से देख लें, आइंदा हम देख लेंगे, मतलब वीडियो को भी देख के ना अंदाजा लगा लेंगे, अगर कम हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। क्वेश्चन वन, अच्छा एग्जाम में जब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, खास तौर पे केस स्टडी, आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पढ़ने से हमें पता चल जाएगा ये किस चैप्टर में से, किस कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हुए हम अपने माइंड को फोकस कर देंगे उस कंसेप्ट, उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। वरना याद रखिए मैंने आपको बताया था एक केस स्टडी कई एंगल से सॉल्व की जा सकती है, तो हमने किस एंगल से सॉल्व करनी है ये रिक्वायरमेंट में, इसीलिए पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेना ताकि हम फोकस होके केस स्टडी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हो, रिक्वायरमेंट के लिहाज से रेलिवेंट पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हो। लेकिन सम टाइम रिक्वायरमेंट में भी, उसने जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है, रिक्वायरमेंट में भी सम टाइम पता चल जाता है, अक्सर बल्कि पता चल जाता है, सम टाइम रिक्वायरमेंट से पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक है। जैसे कई दफा कहता है व्हाट शैल बी आर्टर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड, ठीक है, वो आर्टर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ये तो ओपन एंडेड है, ठीक है, इससे पता नहीं, इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो फिर पता नहीं चलता। हाँ लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हो बताइए व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन शैल बी एक्सप्रेस बाय ऑडिटर इन रिपोर्ट, तो मुझे पता चल गया कि अब सिर्फ रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया मेरा, ऑडिट रिपोर्ट बताना। बहरहाल रिक्वायरमेंट में पहली डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू व्यू पॉइंट ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो कह रहे हैं व्यू पॉइंट डिस्कस करो, व्यू पॉइंट के बारे में हम पता ही नहीं क्या है, तो प्रोबेबली इसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस चैप्टर का है, तो फिर इसका मतलब अब हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, अमजद इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मेजर शेयर होल्डर ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मेजर शेयर होल्डर भी है चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ही हैज ऑफर्ड योर फर्म टू बी फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसने कहा आप आ जाइए कंपनी का फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर बन जाए। ड्यूरिंग ए मीटिंग ही वॉज ऑफ द व्यू डेट स्टैच्यूटरी ऑडिट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज बीन लीगली मैंडेटेड, मैंडेटेड मीन्स लाजमी करार दिया गया, एंड इट डज नॉट एड वैल्यू टू बिजनेस, उसने कहा ऑडिट तो इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है, वरना तुम ऑडिटर को पूछे ना तुम तो कोई वैल्यू ऐड नहीं करते बिजनेस में, ठीक है। अच्छा बताइए यहां में बताइए क्या आप उसकी बात से एग्री करते हैं, व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करते, बस इतना लिख देंगे वी डू नॉट एग्री के साबित करेंगे, तो क्या करते हैं आप लोग क्या आंटी जी शाबाश, हम उसे कहेंगे भाईजान ये इसलिए नहीं कि लीगली मैंडेट, बल्कि इसलिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत से मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, इसलिए कि सेल परचेज करनी हो तो लोग हमारी बात पे एतबार करते हैं, पर ठीक है पहुंच गए कंसर्ट पे पहुंच गए काफी है, आगे चलते हैं। हाउएवर ही बिलीव्स दैट ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी, नहीं अच्छा और मोस्ट में भी कौन से जो रीजनेबल प्रोसीजर से सामने आ सकते, जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक वाले हैं कोलुजन वाले हैं वो हम आइडेंटिफाई। अच्छा बताइए क्या ये पॉसिबल है ऑडिट हम कर लें और उसके बाद कोई मेजर फ्रॉड हो और वो भी हमने आइडेंटिफाई ना किया हो, क्यों मेजर तो हमें करना चाहिए था वो तो मटेरियल होगा, हाँ लेकिन रीजन बाज़ुकात एक मटेरियल फ्रॉड भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्यों क्लाइंट ने उसके छोटे छोटे हिस्से किए होते हैं, अगर 10 लाख का एक ही करें वो तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन मटेरियलिटी लेवल 5 लाख है, उसने 1,000, 2,000 के फ्रॉड कर करके बहुत से फ्रॉड किए तो वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा,
अगर हमने सैम्पलिंग की है, जो सैम्पलिंग करते हैं हम, तो उसकी वजह से भी रिस्क है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हम ना हमारे सैंपल में आए जिनमें फ्रॉड था। तो याद रखें, ऑडिट करने के बाद भी पॉसिबल है कि कोई मिस स्टेटमेंट रह जाएंगी, वो एरर भी हो सकता है, वो फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली किस कंसेप्ट के, पहले वाला जो लाइन थी उसकी, वो तो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट पे बेस कर रही थी, ये दूसरी वाली किसके ऊपर बेस कर रही है स्टेटमेंट? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पे। ठीक है, कन्विंस्ड है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि बाज का स्टूडेंट कहते हैं सर छोटे मोटे इमटीरियल फ्रॉड में तो हम एग्री करते हैं, ये मेजर फ्रॉड तो उसे आइडेंटिफाई करने चाहिए। ये मेजर में क्यों हम फेल हो जाते हैं फ्रॉड आइडेंटिफाई करने में? क्योंकि सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं, क्योंकि कोलूजन है। ठीक है, क्योंकि हम सैंपल बेस पे काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वन ओके। टू, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अनमोडिफाइड रिपोर्ट ऑन ए प्रॉफिट फॉर कॉस्ट। अनमोडिफाइड प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट, अच्छा एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा कंप्लीट नहीं है। एक दफा एग्जाम में एक रिपोर्ट का क्वेश्चन आ गया, उसने लिखा एक्सट्रैक्ट। स्टूडेंट कहने लगा सर आप तो कहते थे रिपोर्ट में ये इतनी इतनी चीजें होती हैं, इसमें तो सिर्फ दो चीजें थी, बाकी चीजें थी ही नहीं, तो भाई क्यों नहीं थी वो एक्स्ट्रा? मैं कहा भाई क्वेश्चन में पढ़ के देख लो एक्सट्रैक्ट लिखा होगा। अब आप मुझसे कहे सर इसमें तो सिर्फ ओपिनियन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह मैनेजमेंट की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह और दूसरी चीजें भी आती हैं, तो भाई वो नहीं एक्सट्रैक्ट है। Based on our examination of the evidence supporting the assumption, nothing has come to our attention which causes us to believe that these assumptions do not provide reasonable basis. हाँ जी, कह रहा है describe the level of assurance provided by this statement. Limited. Explain how and why it differs from the level of assurance provided in audit on annual historical financial statement. Positive से कैसे different है? क्योंकि वो high level दे रहा है, ये मॉडरेट। और फर्क किस वजह से है? हाँ जी, ऑडिट में प्रोसीजर ज्यादा होते हैं और उसमें हिस्ट्री पास की ट्रांजैक्शन है, उन्हें ज्यादा एक्यूरेटली वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड इंश्योरेंस में प्रोसीजर कम होते हैं रिव्यू, हाँ जी, इसीलिए उसमें इंश्योरेंस लेवल भी हमारा मॉडरेट होता है। रिक्वायरमेंट समझ आई? Why it differs? क्योंकि एक में प्रोसीजर ज्यादा, दूसरे में कम, और एक हिस्टोरिकल है, दूसरा प्रोजेक्शन है। How? How का मतलब है कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, ये नेगेटिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म। शाबाश। क्वेश्चन थ्री, कह रहा प्राइम बैंक लिमिटेड ए बैंक विद ओवर 100 ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री हैज कंप्लीटेड 1 year of its successful operations. डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक इन देयर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड किसको कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हैव अपॉइंटेड राजा टू परफॉर्म ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस एंड ऑल ब्रांचेस एंड टू इश्यू रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स एट एंड। इज दिस एन इंश्योरेंस एंगेजमेंट? क्यों इंश्योरेंस एंगेजमेंट? थ्री पार्टी रिलेशनशिप नहीं है, इसमें सिर्फ टू पार्टीज हैं, अपॉइंट करने वाला और प्रैक्टिशनर, उसे रिपोर्ट उसी को देनी है। अगर इसमें रिपोर्ट थर्ड पार्टी को दी जा रही होती ना, तो फिर हम कह सकते थे कि शायद इंश्योरेंस एंगेजमेंट की तरफ जा रहा है। अब तो क्लियर हो गया, पार्टीज ही दो हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और प्रैक्टिशनर है। हाँ, बाकी देखें, बाकी एलिमेंट्स बताने के, ये मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ टेम्पटिंग के। अच्छा, हर सब्जेक्ट की केस स्टडी का रूल अलग है, हर सब्जेक्ट का मिजाज भी लाता होता है। ऑडिट की केस स्टडी किसी और तरीके से होगी, लॉ की केस स्टडी किसी और तरीके से होगी। ऑडिट की केस स्टडी का सबसे पहला सबसे अहम उसूल बता रहा हूं, डोंट गो बियॉन्ड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट से बाहर नहीं जाना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर रह के केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो यहां पर हमने बाकी के एलिमेंट्स की बात क्यों नहीं की, क्राइटेरिया नहीं, एविडेंस का कोई जिक्र नहीं वगैरह वगैरह, क्यों नहीं की? क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में उसका जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन में सिर्फ ये कह रहा है कि एक बंदा यूजर है, दूसरा उसको पॉइंट कर रहा है,
तो हमने भी उसी के ऊपर कमेंट करेंगे। और मैंने आपको बताया था एक भी एलिमेंट मिसिंग हो जाए तो वो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट बन जाती है। तो कंक्लूजन तो हमारा एक भी एलिमेंट पे पूरा हो जाता है, स्टिल दूसरे एलिमेंट हमने नहीं जिक्र करने। क्यों? उसने क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं किया उनका भी। मार्क्स भी टू है, बिल्कुल शाबाश, क्लियर जी। अच्छा आप देखिए नेक्स्ट। जी जी, हाँ जी शाबाश। ये फिर अगर एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं है, अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो फिर क्या हुआ वाला? इंटरनल 100% ठीक आइडेंटिफाई किया, ये इंटरनल ऑडिटर हुआ, ठीक है। और इंटरनल ऑडिटर अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, 50 किस चीज के? मैं सवाल थोड़ी पूछा था। वो तो कभी कभी वो कोई कंसेप्ट ऐसा है जो खुशी हो टीचर को ज्यादा, तो इनाम देता हूँ। नहीं, इस पे ये अच्छा क्वेश्चन जरूर था, अच्छा जरूर था मैं, लेकिन इतना नहीं कि इनाम मिले। आगे चले, क्वेश्चन हो रहा जल्दी करें, अगले टीचर बाहर खड़े होंगे। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। अब आपने मुझे बताना मैंने क्या गलती की है। यू आर द सीनियर मैनेजर, हाँ, रिक्वायरमेंट। एक्सप्लेन विच फैक्टर वुड सजेस्ट दैट न्यू हेल्थ फूड शुड हैव एन ऑडिट एंड विच फैक्टर वुड सजेस्ट दैट ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी इसका मतलब ये मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में ले आया। बाजुकात हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, उन्हें ऑडिट की जरूरत होती है, बाजुकात ऑडिट की जरूरत नहीं होती। अब आप अगर फर्ज कीजिए डॉक्टर हो, आपके पास मरीज आ जाए और आपसे कहे डॉक्टर साहब दांत में बड़ा दर्द हो रहा है, दांत निकाल दे। अब आपको पता है कि मैं आपके पास एक गोली ऐसी भी आ देंगे, दांत दर्द ठीक हो जाएगा। आप क्या दांत निकाल देंगे उसका, कि उसे कहेंगे नहीं नहीं दांत ना निकलवाओ, ये गोली से दर्द ठीक हो जाएगा? दांत निकाल दे भाई, दांत निकालेंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, कंसेप्ट गलत है। आपने गोली देनी है, 3-4 दिन बाद उसने कौन सा इधर उधर की गंदी चीजें खाने से बाज आना है। 3-4 दिन बाद दोबारा दर्द होगी, दोबारा आएगा। तो जब तक दांत है हमारी दवाई बिकती रहेगी। आगे चल, यू आर द सीनियर। अच्छा अब आपने एनालिसिस करना है कि आपके पास क्लाइंट है, आपने उसे सजेशन क्या देनी, ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अच्छी सजेशन देनी है, अच्छी। यू आर द सीनियर मैनेजर इन ए स्मॉल ऑडिट फर्म एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट। न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप विद 3 स्टोर्स। यहां तक बताइए, हाँ ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, लॉ तो सिर्फ बड़ी कंपनीज का ऑडिट रिक्वायर्ड करता। पहली रीजन हमें नजर आ गई, 1 लिख लें इसके साथ, ये रीजन नजर आ गई जो क्या बता रही है, ऑडिट नहीं होना चाहिए। आगे चलें, इन डिस्कसिंग द बिजनेस यू लर्न दैट न्यू हेल्थ फूड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग टू ए 4th स्टोर इन ए नियर बाय सिटी बट इज अनडिसाइडेड अबाउट हाउ टू फाइनेंस द एक्सपेंशन। दे आर कंसिडरिंग इधर बोरोइंग फ्रॉम ए बैंक और फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ओनर्स। अगर बैंक से बोरो करते हैं तो ऑडिट होना चाहिए, और अगर खुद से करते हैं तो हम 2 पॉइंट आगे मारे। एक पॉइंट बता रहे हैं ऑडिट होना चाहिए, एक कह रहे नहीं होना चाहिए। अगर बोरोइंग करते हैं तो ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंसिंग सेल्फ फाइनेंसिंग करते हैं खुद से फिर ना। आगे चलते, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसको ध्यान से सुनिए। Owners are 2 brothers and 2 sisters, 3 of whom actively manage 1 store each, and the 4th will manage the new store next year. मैं कहानी सुन ले। चार बहन भाई हैं, 3 actively business को manage कर रहे हैं, एक घर में बैठा हुआ है। बताइए audit required है कि नहीं? हाँ required, क्योंकि चौथे वाला कहेगा कि भाई मुझे जो बता रहे हो पता नहीं business में यही कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो नहीं घपले कर करके उधर प्रॉफिट सारा अपनी जेबों में डाल रहे हो, मुझे कह रहे हो नुकसान। तो चूंकि चौथा पार्टनर एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलायंस नहीं होगी जब तक ऑडिट ना हो। ये तो है ऑडिट होने की रीजन। इसी में एक रीजन ऐसी भी छुपी हुई है जो कह रही है कि ऑडिट जरूरी नहीं है। भाई है नहीं भाई, क्या मतलब भाई? भाई भाई के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है? बोल, भाई भाई के साथ फ्रॉड कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, करते हैं। अगर ओनर पैसे देगा वो बात हो गई हुई, पार्टनरशिप वाली बात भी हो गई है। इधर अभी एक आवाज आई थी,
कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शाबाश, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। ये ले भाई का। अच्छा अब देखे, वो जो ओनर है वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे हैं, तो जब ओनर ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये रीजन क्लियर हो गया ये। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने किया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑडिट होना चाहिए, ये पूछ रहा है ना। उसने एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट सारे छाप दिए, उसने कहा सारी रीजन है सर ऑडिट करवाने की, अच्छे पॉइंट है सारे सारे छाप दिए, नहीं सही नहीं किया। हाँ शाबाश, सही नहीं क्यों सही नहीं किया, केस डोंट गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन में जिन फैक्ट्स का जिक्र किया है उन्हीं को सोल्यूशन में डालना, हमने उन्हीं को सोल्यूशन में डालना, बाकी हमारे लिए इररेलेवेंट, बाकी के नंबर नहीं मिलेंगे, ये जहन में रखिएगा। पहला और सबसे अहम असूल बताया आपको, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज। आज आपकी